ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 I'm staying.
तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने मेरा अरदास क्यों कर श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रेतर भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई श्रेष्ठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण दयावै धाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते पंथ दे वाले सरबंस दाने सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दे आत्मक जोत साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पाठ दर्शन दारां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी वाहिगुरु गुरु साहब जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे चाले मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख वाई देख के अंडट कीता पुरातन ते वर्तमान समूह शहीद सिंह सिंगणियां भचंगियां पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुर धामां ते खुश नामों जी का ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी नगर कीर्तन प्रारंभ तक वास्ते अरदास बेनती की जाती सेवकों की अरदास करके प्रवान करने पिता जीओ सरबत संगत हाजिर हां आप कृपा करनी अंग संग सहाय होना सरबत संगत चढ़दियां कला बख्शनिया खालसे पंथ नूं चढ़दियां कला बख्शनिया मेहर भरिया सिर ते हाथ रखना एकता इतफाक दी दात बख्शनी मेरे पिता जीओ आप जी के चरणों में अरदास बेनती है पातशाह जी आप कृपा करो प्रारंभता वास्ते आग्ञा बख्शो खुशियां बख्शो जो आवे दरते आवे सराही जा
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी जिन्ना जिन्ना सहयोग जिन्ना जिन्ना योगदान गुरु घर के प्रोग्रामों लिखे जाने वास्ते दिता है। दास किन्हां लफ्ज़ां नाल संगत का धन्यवाद करे क्योंकि पिछले दो साल तो लैके जिन्हें भी प्रोग्राम संगत के सहयोग के नाल लिखे गए सतगुरां की बख्शिश कृपा सदका संगत के सहयोग के नाल सारे ही बहुत सफल रहे हैं। अज का भी ये प्रोग्राम जो है आप समूह शासन के सहयोग के नाल बहुत ही सफल रहा है। सरवण सिंह जी कोंटरी वाले साध संगत की सेवा में थोड़े ही समय में हाजिर होंगे। दास अते कराटी वाले जो सिंह ने सारी सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद। दास सरदार रणजीत सिंह ने बेनती करता है कि स्टेज उत्ते आउण अते 10 मिनट वास्ते अज के महान समागम से खालसे पंथ के जन्मदिन से सिख इतिहास उत्ते कुछ बोलने की कृपालता करन। दास बेनती करता पाए सब जन कि स्टेज उत्ते आउण अते 10 मिनटां विच अपने विचार संगतों प्रति रखन। सरदार हरविंदर सिंह जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का जो 10 गुरु साहिबान जी ने किसी पूर्ण मनुख की घाट घड़ी ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਅਬ ਤੇ ਰਸਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੱਜ ਧਜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पर अज आप जिस पवित्र दिहाड़े की याद में जुड़ बैठे हैं जिथे सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने जो सानू उपदेश दिता है जो कुछ करने लिए प्रेरिया है सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने सानू अज के दिन से कुछ गल्लां कहियां सन कुछ हदायतां आखियां सन ते पावन उपदेश जो सहवा महीने में भी दिता है उहदे विच भी इहो आख्या कि वैसाख सुहावा तां लगे जां संत भेटै हर सोए जिथे आरंभ किया कि वैसाख धीर न क्यों वाढ़ी है जिन्ना प्रेम विशो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो उथे अखीर विच संकोचदियां गल आखी कि सुहावा फिर उन्हां मनुखां दा है जिन्हां नूं फिर गुरु परमेश्वर की संगत प्राप्त होया। थां थां जाके उपदेश दिता करोड़ां की गिणती विच संगत सी गुरु नानक देव साहिब जी की उन्हां नूं मन्नण वाले पिटावां चाहण वालियां दी कदे वार फेर नहीं सी आउंदी पर परवान केवल एक चढ़िया धन गुरु अंगद देव साहिब सच्चे पातशाह जी। अज दा जिहड़ा पावन पवित्र दिहाड़ा मना रहे हां इह वी 80,000 दा इकट्ठ है इह तों वध गिणती इतिहासकारां ने लिखी है पर परवान सारे इकट्ठ चों केवल 5 चढ़े पर चढ़े ओ जिन्हां ने हुक्म मन्निया चढ़े ओ जिन्हां ने सतगुरु ने जो आख्या ओ करके विखा दिता है ते अज दा दिन वास्तव विच इस गल दा सूचक है कि हुक्म मन्निया होवे परवान तां खसमै का महल पाए सी। कंडीशन है इत्थे हुक्म ते बेनती दो चीजां ने वखरियां वखरियां ने बेनती मनन वाले ते निर्भर करदा है वह मने जा ना मने ते जिथे गल हुक्म दी आउंदी है हुक्म ना मनन वाले नूं फिर सजा भी मिल सकती है डन भी लग सकता है।
हुक्म करन वाले दी गुस्से जां क्रोधता दा शिकार भी मनुख हो सकदा है। ते सतगुरु गुरु ग्रीवनवार जी ने सानू आख्या सी अज दे दिन ही के मानेगा हुक्म सो तो होवेगा सिख सही, ना मानेगा हुक्म सो तो होवेगा बेहालसा। पांच की कुसंगत तजे संगत स्यों प्रीत तजे प्रीत करे दया और धर्म धारे त्यागे सब लालसा। हुक्का नहीं पीवे सीस दाढ़ी ना मुंडावे सो तो वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु जी का खालसा। हुक्म मनन दी गल चली फिर आवेगा हुक्म है की। हुक्म गुरु गरीब नवाज जी ने जो अज दे दिन कीता है जेदी तगीद कीती के एह मोर आग्या सुनो हे प्यारे बिना शस्त्र के संग देवो ना देदारे। हुक्म कर दिता के रहत बिना न सिंह खावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तनखाही जानो रहत बिना जड़ भूत वखानो। आख दिता रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है फिर किसे नूं ए भुलेखा ना पै जाए रहत शायद किसे होर चीज दा नाम है केवल कले चिन्ह धारण कर लैण दा नाम रहत बन गया। नी साहब आंदे ने प्रथम रहत जे जान खंडे की पहुल छके। पहली रहत रहत दी आरंभता इथों आ के खंडे बाटे दा अमृत छकना जिस गल दी याद विच आपां सारे जुड़ बैठे हां। सोई सिंह प्रधान अवर ना पहुल जो लेवे तगीद कर दिती ताड़ना कर दिती हुक्म कर दिता सानू अज दे दिन ते तुसां करना है। मुड़ मुड़ के उस गल दी वजाहत कीती के निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ हरगज ना बादशदी पंज मुआफ किसे भी कीमत ते नहीं। हरगज ना बादशदी पंज मुआफ कड़ा कार दो कछ कंगा विदान ते बिना केस हे चस्त जुमला निशान। ये निशानियां ने जे रखियां ते गुरु का सिख है जे नहीं रखियां जे उन्हां नूं तलांजली दित्ती आ ते फिर सिख अखवाउण दा हकदार नहीं। उस पासे वल नूं तुरना साडा फर्ज बणदा है। ये ठीक है पहला चरण पौड़ सी पर सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने हुक्म कीता कि खंडे वाटे दा अमृत छकना जरूरी है ते फिर जे सिख हुजदा करे सतगुरु तुहाडी दलील नालों तेरी दलील नालों साडी दलील वड्डी है साडी सोचनी सतगुरु थोड़ी सोचनी नालों वड्डी है साडी समझ थोड़े नालों वड्डी है। गुरु घर ने कदे प्रवान नहीं कीता गुर सिखी दा करम है गुर फरमाए गुर सिख करना। जो सतगुर आख दिता है जो कुछ दस दिता है जो हुक्म कर दिता है गुरु के सिख दा कम है कि सिर नोड़ा के उस हुक्म दी तमील करनी उन्हों मनना। सतगुरां दी मर्जी विच ही अपनी मर्जी नूं समा देना सिखी इहनूं याद देने कि गुर कहया साकार कमावो शर्त है कि हुक्म मन्या होवे परवान तां खसमें का महर पाए सी। सतगुरु ने हुक्म है आपां जानदे आ हर मनुख जानदा है ये नहीं भी आपां नूं पता नहीं पर आपां उस गल लई कई वार इदां हुंदा है मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। मनुख जानदा है पर हुजता कई वार कर लई जां कई आंदे ने अमृत असीं किसे विशेष व्यक्ति कोलों छकणा है किसे विशेष जथे कोलों छकना है किसे खास डेरे तो जाके अमृत छकना है पर वास्तविक अमृत दी तौहीन है। कोई भी पंज रहतवान अमृत धारी पंज ककारी रहत दे धारनी गुरसिख जीवन वाले गुरसिख अमृत सतगुरु दी हजूरी विच देण दे अधिकारी ने। ते जे आपां फर्क पाउने आ ते आपां अमृत दी बेइज्जती करदे आ अपने आप नूं छुटाउने आ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਰਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਰਹਿਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ क्योंकि किसी ने काल पावे नाल नहीं बनया वो वेरा ने बुझी है जो आए पर जम फंद कदों काल ने आ फड़ना कोई मनुख इस गल की गरंटी नहीं दे सकता है। जब किश्ती साल तो सालम थी मंजिल की तमन्ना किसको थी ते अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। नौजवानी विच जदों मनुख चाहुंदा काली जिनी ना रावया फिर धौली रावे कोई। जदो समय बेड़ा बंद ना सके ओ बंधन की बेला पर सरवर जब उछले तब तरण दोहेला। फिर मनुख लई कई बार असंभव हो जांदा है
उस मौके मनुख की कर सकता है जब सिर कंपियो पग डगमग नैन जोत ते हीन। जे मनुख यह सोचे कि जदों जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसा ते तबरे धर्म की आस करे उदों ते गल आखनी होर है, कहण दी जतन किसे होर गल दा करना है, पर मूँह चो निकल कुछ होर जाना है। फिर जे मनुख सोचे उस बोल मौके ते जाके ध्यालांगे नहीं हो सकना, ते फिर यह भी किन जाने कि उदों तक आपां पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। साहब ते आंदे ने क्या आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। ते आपां सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी दे चरणां विच आए हां, जिन्ना समा जिस मनुख नूं जदों मिलदा है उन्हूं सफला करना, क्योंकि भाई वीर सिंह ने बड़ा स्पष्ट आख दिता है कि रही वास्ते घट समय ने एक न मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई करनी, त्रिखे अपने वेग गया टप बनो बनी, किवें ना सकी रोक अड़क जो पाई भनी। पर अखीर विचो आंदे ने कि हो संभल संभाल इस समय नूं, कर सफल उड़ंदा जानदा, यह ठहरन जाच ना जानदा ते लंघ गया ना मुड़ के आंदा। समय की एक खूबी है, एक बार हथों चला गया मुड़ के लख वाह वास्ते पा दो, मुड़ के तुहाडे पास वो समा नहीं आउंदा, पछतावा पले रह जांदा। इहो कारण है गुरमुखां ने सियाणियां ने एक आखी पिछली बीत गई, पिछली उम्र गुनाही बीती, हर की भगत ना कीती, पर गां ली जिहड़ा पे अगे समझ चलो नंद लाला, पिछे जो बीती सो बीती। वास्तव में साडी जिंदगी विच वेखण विच इह आया पिछली कीती गुनाह गुनाहां विच लंघ गई, कई बार मनुख उहनूं पछताउंदा है। आउण वाला साडे नाल की वापरना है मनुख इहदे सहम विच जिउंदा है, पर जिहड़ी हुण अज आ साडे कोल पर विच फिकरां लाई ते अज भलक नूं सोच का कल भलक नूं सोच अज मुफ्त गवावे। मनुख अपने हथों जिहड़ा समा साडे कोल है हुण है इहनूं संवारना है, मनुख दे अपने वस है इहनूं ने किस पासे नूं खड़ना है। साडे पास सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने एक गल आखी कि तुसा कुछ करना है, जे मनुख उस पासे पैर नहीं पुटदा अज दे विसाखी दे दिन ते इस गल लई प्रण नहीं करदा, यह मनुख की अपनी सोच हो सकती है, अमृत ना छकना दुनी चंद की सोच हो सकती है, भाई विचित्र सिंह की नहीं, यह भाई तारू सिंह की सोच नहीं हो सकती, किसी भी कीमत से भाई सुवेग सिंह सहवाज सिंह की सोच नहीं हो सकती, मनुख की अपनी सोच है। फिर वो आसरे मनुख कई बार थिड़क भी सकता है, जे मनुख गुरु का कदे किसी आसरे परने तक के हो जाए सतगुरु मैं तेरे जोगा, तो फिर गुरु का बिरध बन जाता है। समा पैण से सतगुरु गुरु के सिख न आप काढ़ी नरक ते तू आप सतगुरु सचे पातशाह सहाई होंदे ने। अज दे दिन जो बख्शिश कीती साडे ते जो माण बख्शिया सतगुरां, जो सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने सानू अपना रूप बना दिता है, और इत्थों तक आख दिता कि खालसा मेरो रूप है खास ते खालसे मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। उपमा करद्या करद्या इत्थों तक भी मेरे तो ज्यादा खालसे का सत्कार करना है, साढ़े शरीर नालों वध करके जानना है, ते फिर अजिहियां गल्लां किसे होर पीरा पैगंबरां ने चिंते नहीं कीतियां, और सतगुरां गुरु नानक साहब नूं साखी जाण के गल आखी। ते जे उस गल दी आपां जो बख्शिश वड्याई सतगुरां सानूं बख्शी, जे आपां उहनूं अपनी झोली विच पा के उहनूं आपां ना अपना सकीए ना उहदे ते चल सकीए, ते फिर साडे साथों बंदे मंदे भाग किसे दे होर नहीं सकदे। इहनूं आपां इस ढंग विच नहीं लैणा, जे आपां अमृत नहीं छकिया सानू गुरुद्वारे जाईदा, इहनूं क्रिटिसाइज करदे ने उत्थे जा के, नहीं हकीकत हकीकत है। सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी ने गल आख दित्ती, फरमान जारी कर दिता है, जे आपां उस पासे वल नूं नहीं तुर सके साडी कमजोरी है, और उहनूं तसलीम कर लैणा साडा अपना फर्ज बणदा है, और जे नहीं ते गुरु घर विच इह गल मुड़ तों तुरी आई है कि जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। मनुख मन करके तन करके सतगुरु के चरणों में जुड़े बेनती करे, सतगुरु किसे कारण करके तुहाडी जिहड़ी रहत है सिक्खी साडे भागां विच अजे तक नहीं आई, कृपा करो बख्शिश करो सानू सिक्खी की दात बख्शो। ते सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी का बिरध बख्शिंदा है, मनुख बेनती करे सही फिर रात दिवस के कूकने केसो केसो कूकी है ना सोई है आसार, फिर रात दिवस के कूकने कब हूं के सुनै पुकार। पर मनुख बेनती करके जोदड़ी करके आस विच लग्या रहे, ते जे मनुख इस पासे वालू महसूस भी ना करे फिर उहदे अपने भाग ने।
ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਪਏ ਕੋ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲੇ ਕਰਨ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਾਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ 3 ਵਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, 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 ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟਿਕ ਗਈ ਤੇ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ। ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ,
पर एक जामे विच जोत नूं टिकाया समूहक विच नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जदों खालसा पंथ साजिया तां इस विच एक महानता थाप दित्ती। पहली ते गल के पंज सीस लै के इतिहास आप सब ने सुनिया, पंज सीस लै के फिर खालसा पंथ की सिरजना पंज बाणियां दा पाठ करके खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके कीती। और किसे एक व्यक्ति नूं इह अधिकार ही नहीं सी कि कोई एक व्यक्ति अमृत दी दात अगर दूजे नूं दे सकदा। पंजां नूं अमृत छकाउण तों बाद जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने नमस्कार करनी सी और ओही अमृत दी दात मंगनी सी, अमृत दी दात मंगण वेले हजूर नूं पंजां दे सामने झुकना पिया। और ये किसे झुकना किसे मजबूरी विच नहीं सी, एक अमृत दी दात दा सन्मान सी कि इस अमृत नूं मैं उस श्रेणी विच नहीं खड़े कर देना कि एक आदमी खड़ा होवे अयाली दे रूप विच, दूजे खड़े होण भेडां दे रूप विच। सतगुरु जी ने खालसे नूं अपना रूप दस के जदों रूप गुरु दा खालसा हो गया तां गुरु गोबिंद सिंह साहब पंज प्यारियां दे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि खालसा जी ये अमृत दी दात सानू भी नसीब होनी चाहीदी। हैरान होण वाली गल है कि कोई आदमी किसे दूजे नूं बहाना बना के किंतू करे कि सिख होण तों बाद भी मैनू अमृत छकण दी कोई बहुत जरूरत नहीं, ये क्रिटिसाइज नहीं किया गया। खालसा बनिया ही तां जा सकदा है जे अमृत छकोगे, बिना अमृत छकण तों खालसा बनिया नहीं जाता। और जिन्ना चिर खालसा बनो ना उन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह साहब दे ए कहे हुए शब्द लागू नहीं होंदे। ये सारे व्यक्तियां दे उपर लागू नहीं जेड़े आखण असी सिख हाँ पर अमृत तो दूर रहे। और इन्नी रहमत दी बात कि सतगुरु केवल एक दो चार दाता नहीं, जे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख हाँ ते थोड़ा जिहा विचारन दी लोड़ है कि भाई लैणे नूं ते एक नूं गुरु नानक साहब आखण तू मेरा रूप होयो इसलिए तेरा नाम अज तो अंगद। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हर अमृत छकण वाले व्यक्ति नूं खालसा सिरज के ते सब प्रति ए बख्शिश कीती कि खालसा मेरो रूप है खास। दोहां विच्चों एक गल चुननी पवेगी, इस विच कोई गुला गिला गुस्सा करन दी जरूरत नहीं। जां ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख सदवाउणा है ते खालसे बनना पवेगा, अगर खालसे ना बने तां गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख नहीं। कलगीधर पातशाह दा फरमान है अमृत छकण संबंधी, दसम ग्रंथ विच सब तो आखिर विच ए बचन ने जिहड़े भाई हरविंदर सिंह होरां ने आप नूं सरवण कराए कि हरगिज ना बाशदी पंज माफ। किसे कीमत ते भी सतगुरु रियायत नहीं देंदे, किसे कीमत ते भी हरगिज ना बाशदी पंज माफ। पंजां ककारां विच्चों एट एनी कॉस्ट तुसी कोई रियायत नहीं लै सकते। और जे आखदे हो गुरु दे सिख हां तां सिख्या ते चलना पवेगा, जे सिख्या ते चलांगे तां खालसे जरूर बणांगे ही। जेड़ा खालसा बन जांदा है उहनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब रहमत करदे ने उह मेरा रूप है। थोड़ी जही अंदर झाती मार के देखनी चाहीदी है कि जदों असीं फखर नाल इह तुका पढ़ लैंदे हां कि खालसा मेरा रूप है खास, अमृत असीं छकदे नहीं अपने रूप नूं तां देखिए। जे मन्नदे हो इह रूप गुरु गोबिंद सिंह साहब दा है ते सानूं किसने अधिकार दित्ता रोमां दी बेअदबी करन दा? गुरु गोबिंद सिंह साहब दे रोमां नूं हथ पाउण दी जरूरत किसे दी किवें पै जाए? बहुत विचारण दी जरूरत है। जे रूप बनना है गुरु दा ते फिर गुरु दा रूप जाणोगे तां गुरु ने जिवें अपने रूप दा सन्मान कीता है तिवें करना पवेगा, नहीं ते खालसे विच सम्मिलित नहीं हो सकांगे, नहीं शामिल हो सकांगे। तां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने फिर रियायत भी कोई नहीं कीती। जिथे बरकतां कीतियां कि तेरा रूप मेरा रूप है और तेरे अंदर मेरा निवास है हे खालसा,
तू ही मेरा मुख है, तू ही मेरे अंग है, तेरे मैं सदा संग साथ विच हां। इत्थे बस नहीं, तू मेरा इष्ट भी है। और ख्याल करन दी जरूरत है कि इष्ट दी पूजा करी दी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसे दे पुजारी बन के दिखा दिता कि खालसा मेरो इष्ट सुहिरद, खालसा हमरो कहियत बिरद। बहुत रहमता कर दे गए। आखिर हजूर इत्थे पुज गए कि खालसा मेरो स्वजन परवारा, खालसा मेरो करत उधारा। हद हो गई, गुरु संसार दा उधार करन वाले ने और खालसे ते इन्ना सन्मान दा वचन कह रहे ने कि मेरा उधार करन वाला खालसा है। फिर खालसे नू अपनी काया और अपने प्राण स्वास दोनों मन्या। दोहां विच्चों एक दी भी काट रह जांदी तां साडे पास थिड़कण दी कोई गुंजाइश होंदी। गुरु साहब ने कोई रियायत किसे पास्यों नहीं रहण दित्ती। खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। हैरान होना मैं पंगतियां पढ़ के प्राण ते देह दो मिल जान ते असी सोचदे सां शायद इसे दा नाम जिंदगी है। जदों असी अज देखने आ ना अज दी साइंस दी दुनिया विच, ए दो मिले भी रहन जिंदगी तां भी नहीं। इसलिए हजूर नूं दूजी पंक्ति कहनी पई, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। तुसी देखते हो कई बारी आदमी ऐसी हालत विच पुज जांदा है किसी एक्सीडेंट दे कारण कि उसकी जान ते निकल जांदी है, पर ए अज दी साइंस वाले लोग उसनू लाइफ सपोर्ट मशीन ते ला के उसका श्वास चलाई रखते ने बड़ी देर। श्वास भी चलता है, देह भी बची है, पर जे कोई आखे के इस अंदर जिंदगी दी ओ रौ भी होवेगी तो नहीं। जे होंदी ते मशीन नू हटाउण तो बाद वो जीवन चलता रहिंदा। आर्टिफिशियल श्वास नाल जान नहीं पाई जा सकती। सतगुरु जी ने तीन गल्लां इकट्ठियां कर दित्ती। श्वास ते देह दा संबंध ही काफी नहीं, इहदे विच जान प्राण भी चाहीदे ने, प्राणा विच जान भी चाहीदी है। नहीं तो मनुख आर्टिफिशियल प्राण पैदा कर सकता है, पर जान ना आर्टिफिशियल बनी है ना बनेगी। सतगुरु जी ने साडा अंदरूनी बहरूनी जीवन दोहां पक्षां तों ही अपने नाल जोड़ लिया है और आखदे ने खालसा ही मेरी जान है, खालसा ही मेरे प्राण ने, खालसा ही मेरी देह है। जे खालसा गुरु दी देह है ता गुरु दी देह दा अपमान करन दा सानू कोई अधिकार नहीं। जे साडे श्वास गुरु दे श्वास ने ता हर श्वास नाल सानू परमात्मा दी याद रहनी चाहीदी है। जे साडी जान गुरु दी जान है ता सतगुरु दे उपदेशां दे मार्ग तो थिड़कण दा सवाल ही पैदा नहीं होंदा। पर असी ना बचना नू समझिया ना जिंदगी विच अपनाया है। रहमत दा कोई अंत नहीं। सतगुरु खालसे नूं खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा आखदे ने। खालसा मेरो बुद्ध अर ज्ञान, खालसे काहो धरो ध्यान। एक अकाल दा ध्यान धरन वाले सतगुरु ये कहिंदे ने मैं खालसे दा ध्यान धरना। और फिर उपमा खालसे जात ना कही। पहली गल इन्नी किसे रहबर ने अपने पैरोकारां दी सिफत कीती नहीं, ते जे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कीती है ते इत्थे मुकाई नहीं। उन्हां आखिया जो कुछ मैं फरमाया जिहड़े जिहड़े शब्द कहे ने इन्हां विच कोई खालसे दी सिफत पूरी नहीं हो गई। मैं लख आखां गुरु गोबिंद सिंह साहब दी कलम भी यह लिखदा है कि उपमा खालसे जात न कही। खालसा इन्नी वडियाई दे योग बन जांदा है सचमुच कोई खालसा बन जाए। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दी कलम भी उहदी तारीफ लिखण तों असमर्थ। गुरु साहब आप आखते कि उपमा खालसे जात न कही, जिहवा एक पार नह लही। एक मेरी जबान है, सिफतां खालसे विच अनंत भर दित्तियां ने, मैं किवें बयान करां। और मामूली जबान दा जिक्र नहीं, जिन्हां नूं लोक पूजदे सन कथनी दे संबंध विच। शेष रसन सारद सी बुद्ध, तदप ना उपमा वर्णित सुध। शेष हजार फण नाल जपदा,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਾਲੀ ਬਕਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਅਲੰਕਾਰ, ਔਰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਅਤ ਕਥਨੀ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਪਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮਤ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ, ਪਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਖੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸ ਜੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੋ ਆਖਣਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਪਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੇ ਰਸਨਾ ਪਾਊਂ ਤਦ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਤਹਿ ਗਾਊਂ। ਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖਾਂਗਾ। ਤਦ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਤਹਿ ਗਾਊਂ, ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦੇਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਤੇ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਹੇ ਤਹਾਂ ਤੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਫੌਜ ਲਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਾ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਲੱਗ ਤੇ ਤਬ ਲੱਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਣਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਭੇਵ। ਰੱਬ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਕ ਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਅਨਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਆਨੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਪਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਂਝ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਕਾਲ ਸਮੇਰੋ। ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਰੋ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਜਣ ਸੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ